गुरु जी, राधे राधे। गुरु जी हमको कुछ भेंट देना है आपको, ये बच्चे आए हैं तो वो आपको देना चाहते हैं हमारे बच्चे। हाँ तो दे दो। हाँ जा करके आपका चरण छू करके आपको देना चाहते हैं। गुरु जी मेरा दो क्वेश्चन था। करो। कि जब सूर्य जल देते हैं सूर्य भगवान को तो उस टाइम हम बोलते हैं ओम सूर्य देव सहस्त्र सांसो तेजो रासे जगतपते अनुकंप में माँ भक्त गृह धारण दिवा करो, तो ये बोल सकते हैं ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कर। हाँ ये द्वादश नाम तो ले सकते हैं। अच्छा, सूर्याय नमः आदित्याय नमः भौमाय नमः खगाय नमः मित्राय नमः भास्कराय नमः। तो इतना नाम तो मुझे नहीं नॉलेज है लेकिन कोई जितना नाम आप बारह बार सूर्याय नमः ही बोलो। सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः। जी गुरु जी और एक और क्वेश्चन था कि ये इसका अर्थ हमको बता दीजिए। अखंड मंडल आकारम व्याप्ता एना चराचरम तत्पदम दर्शितम एना तस्मय श्री गुरु नमः। तस्मय श्री गुरु अखंड मंडलाकारम। जी जो अखंड ब्रह्मांड है। जी व्याप्तम येन चराचरम, जो ईश्वर व्याप्त है चराचर चर अचर जीव में सब में व्याप्त है जो ईश्वर व्याप्तम येन चरा तत्पदम। जी तत्पदम दर्शितम, ऐसे व्याप्त परमात्मा का दर्शन हमें किसने कराया? भाई कण कण में भगवान तो हैं लेकिन हमें पहले थोड़ी पता था, पर जब हमारे गुरु जी ने बताया कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है तो कण कण के परमात्मा को पहचानने की शक्ति ईश्वर ने दी, इसलिए तस्मय श्री गुरु वे नमः। इसलिए गुरु को हम नमस्कार करते हैं जिन्होंने सब में बसे ईश्वर को पहचानने की दृष्टि प्रदान की। जब पूजा करते हैं उस टाइम माइक पास में जब पूजा करते हैं तो इस श्लोक को हम बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा हम लोग बेंगलोर से आए हुए हैं गुरुजी, बच्चे बड़े उत्सुक थे आपसे मिलने के लिए। हमारे हस्बैंड हम लोग डिफेंस पर्सन हैं। अच्छा डिफेंस पर्सन है, हम लोग स्पेशली आपसे मिलने के लिए आए थे, ये कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। बोलो। राधे राधे प्रभु। राधे राधे प्रभु जी, आप तो बोलते हैं कि सबसे बड़ी सेवा देश की सेवा है, तो हमें तो टाइम कम मिलता है, बड़ा मुश्किल से हम टाइम निकाल करके इनको मिलाने के लिए लाए। अब ये बोल रहे हैं कि हम तो हर बार आएंगे, अब 7 दिन के लिए आएंगे, अभी 4 दिन के लिए आए थे। तो आप साल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं आपको? 2 बार। 2 बार कितने कितने दिन की? और मैं डायरेक्ट लद्दाख से यहाँ आया हूँ साहब। लद्दाख कितने दिन की छुट्टी मिलती है? अभी तो 25 दिन की आया हूँ। अच्छा तो जब 25 दिन की छुट्टी है तो 25 दिन की छुट्टी में 7 दिन परिवार के साथ वृंदावन रहो, क्या दिक्कत है? राधे राधे। अच्छा गुरु जी, हमारे परिवार में हमारे ताऊ जी 2-4 महीना पहले गुजर गए हैं, उनकी बरसी नहीं हुई है। तो कर लो। तो क्या उससे पहले हम गुरुमुख हो सकते हैं? हाँ गुरुमुख तो हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। 13वीं होने के बाद जी महाराज, 13वीं होने के बाद किसी की भी 13वीं होने के बाद आप सारे पूजा पाठ करने के अधिकारी हो जाते हैं। अच्छा प्रभु, ठीक है प्रभु, राधे राधे। जो लोग कहते हैं कि 1 साल तक मंदिर नहीं जाते वो अज्ञानवश कहते हैं, क्योंकि अज्ञानी। वही जो हमारे कुल गुरु है। हाँ खुश रहिए, खुश। कुल गुरु है वही बोले कि नहीं आप 1 साल तक जो है सो कि नहीं ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते हैं? गुरुमुख नहीं हो सकते हैं भाई। एक उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि 1 साल तक झूठ नहीं बोल सकते? ये क्यों नहीं बोला 1 साल तक कपट नहीं कर सकते? कपट करना, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, इसको मना नहीं है? भगवान का नाम लेने के लिए बताओ मना कर रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? तक नहीं हो पाएगा, 6 महीने के अंदर आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, ऐसे पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। कौन बोल? लेकिन हम तो आपका बात सुन करके 13 दिन के बाद हम पूजा पाठ शुरू कर दिए। 13वीं के बाद आप पूजा करिए। भगवान से क्यों लोग तोड़ रहे हैं लोगों को? जी बुराई से क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? क्यों इतना अज्ञान समाज में है बताओ? जी हम आपका इस अज्ञान को आप लोग दूर कीजिए। यदि आपके समाज में ऐसे कुछ लोग हैं तो उन्हें उनकी बातों को बिल्कुल नहीं इस प्रकार से मानना। जी गुरुजी, हम आप ही के बात पे चलते हैं। गुरुजी हम पूजा पाठ शुरू कर दिए थे 13 दिन के बाद, हम बिल्कुल करना चाहिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए।